हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पार्ट थर्ड. थर्ड पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज ऑफ दिस टाइप. एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, वेयर एम एंड आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और एनी कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट भी हो सकता है ये. इन्हें सॉल्व करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में या लेक्चर में आपको मेथड बताए थे, जिनमें से ये मेथड मैं आपको करा चुकी हूँ. वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस मेथड ऑफ बोथ केसेस. नाउ आज के इस लेक्चर में मैं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. नाउ कम टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर इन द फर्स्ट डिग्री, ओनली फर्स्ट डिग्री, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइंग टुगेदर. आपस में वो मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसमें डेरिवेटिव और उसका जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं सब लीनियर फॉर्म में होने चाहिए. दैट मीन्स स्टैंडर्ड जो लीनियर फॉर्म है वो हमारी ये है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमारा एक्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं तो ये इक्वेशन हमारे इस तरह की हो जाती है. कभी कभी ये वाला केस यूज़ होता है, डी एक्स ओवर वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. समटाइम्स ये इस केस को यूज़ करते हैं. जनरली हमारे पास इक्वेशन इस ही फॉर्म की आती है. पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक केवल एक्स का ही फंक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा. वर्किंग रूल इसमें हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लें, चाहे तो डी वाई बाई डी एक्स वाली या डी एक्स ओवर डी वाई की वाई वाली, जिसमें भी हमारा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाए. स्टेप टू में हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई एफ, उसको जनरली नोटेड डिनोट करते हैं ई टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर पी डी एक्स, और दूसरे केस में आ जाएगा ई टू द पावर पी डी वाई. एंड सोल्यूशन इस इक्वेशन का इस तरीके से लिखा जाता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. सी इज ए कॉन्स्टेंट, ये डिपेंड करेगा, ये लॉग सी में भी ले सकते हैं, इसको सी भी ले सकते हैं, ये आपके सिंप्लीफिकेशन पर डिपेंड करता है. और दूसरे केस में हमारे पास सोल्यूशन इस तरह का हो जाएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी. इसे हम एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझेंगे. ये एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम पेपर से ली है, वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई. इसे अगर हम पहले वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इसके लिए हम दूसरे वाले स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, डी एक्स ओवर डी वाई वाली. इससे हमारे पास इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ जाती है, डी एक्स ओवर डी वाई, ये वैल्यू हो गई हमारी पी की, पी इंटू एक्स, और ये हो गया हमारा क्यू, और एक्स इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा वाई की जगह, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है. पी आपका ये हो गया, क्यू ये हो गया. लीनियर फॉर्म की इक्वेशन आपकी ये बन गई है. इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे इसमें हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई विच इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, सॉल्यूशन इसका निकाल लेते हैं. सॉल्यूशन क्या जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी. ये हमारे पास आ गई है इस तरह से सॉल्यूशन इसका. ये देखिए, इसमें सी कांस्टेंट जोड़ लिया है हमने. अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है टेन इनवर्स वाई
इक्वल टू टी, जिससे डी वाई और ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी, ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे हम इस इक्वेशन पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह की हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया है एक्स इन टी की फॉर्म में। टी अब हमें रिप्लेस करना है क्योंकि हमारे ओरिजिनल वेरिएबल एक्स और वाई हैं, तो टी की वैल्यू हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारा इससे एक्स वाई में ये सॉल्यूशन निकल जाएगा जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके सेकंड फॉर्म पर आते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर लीनियर फॉर्म। ये हमारी लीनियर फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, तो उसे हमें बदलना है। एक स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन होती है जिसको कि हमारी ये नॉन लीनियर फॉर्म होती है, इसका हमें सॉल्यूशन अपने हमारे कोर्स में अमल उसको हम कंसिडर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई एन, दिस क्यू वाई एन, इसे बर्नौली इक्वेशन कहा जाता है। पी और क्यू जो है एज़ यूजुअल उनके मीनिंग है, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स। इसका वर्किंग रूल हमारा इस तरीके से होगा, अपनी इक्वेशन को जो हमारा क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बर्नौली थ्योरम में की फॉर्म में लिख सॉरी बर्नौली फॉर्म में लिख लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई एन, पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाई वाई टू द पावर एन एंड वी गेट दिस फॉर्म। अब हमें ये फॉर्म मिल गई है, इस फॉर्म को हम अपनी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय एनी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसमें लग जाएगा, जो भी यहाँ पे y की फॉर्म आएगी उससे हम v मान लेंगे, जो भी टर्म आएगी यहाँ पर, एंड चेंज द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म, स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म इन v एंड x की फॉर्म में। ठीक है, इसमें हमारा ये p निकल गया, q निकल जाएगा, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये हमारी बन गई। अब हम इस पर ऊपर वाला जो मेथड अभी डिस्कस किया वो लगा देंगे। अगर हमारे पास ये सेकंड केस बनता है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन एक्स टू दी पावर एन, अगर ये इस तरह से हमारी इक्वेशन बनती है तो उसके लिए भी सेम मेथड लगेगा, सिर्फ आपके वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। नाउ कम टू अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इज आई हैव टेकन फ्रॉम एन एग्जाम पेपर ऑल्सो। ये एक जो हमने ली है प्रॉब्लम, ये हमारी इसी तरह से देखिए, y टू एक्स वाई प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई, दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म, ई टू द पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस, इसको फिर कन्वर्ट करना है हमें अपने स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन में। बर्नौली इक्वेशन ये बन गई है हमारी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशेंट वन होना चाहिए, माइनस वाई एंड दिस। यहाँ पर अब हमारे पी की वैल्यू हो गई है माइनस वन, क्यू हमारे पास ये आ गया टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, एंड वाई एन जो है वो अब हमारा वाई स्क्वायर हो गया, तो डिवाइडेड बाई दिस इक्वेशन बाई वाई स्क्वायर बोथ साइड, वी गेट दिस इक्वेशन। इसमें अब हम पुट कर देंगे माइनस वन बाई वाई को वी, एंड इसका सॉल्यूशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन हमारे यहाँ से, स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये हमने उसका सॉल्यूशन लिख लिया, वी और एक्स की फॉर्म में सॉल्यूशन आ गया है, वी और एक्स की फॉर्म में सॉल्यूशन आ गया है। अब इसमें वी की वैल्यू इक्वल टू क्या है, वी हमारा हमने पुट किया था वी इक्वल टू माइनस वन बाई वाई, ये इसमें रख के हम इसका फाइनल सॉल्यूशन ले लेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम और उसके अलावा जो और बाकी जो हमारे मेथड रह गए हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के उनको डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें अपनी बुक से जो भी बुक आपके पास है उसके क्वेश्चन करिए, और कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो मेरे से वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। और अगर आप इसके रिटन नोट्स चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप में अपना ईमेल या व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी।
अगर लेक्चर आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा, कुछ फ़ायदा है, तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।